खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, जब हम टीवी पर कोई लाइव मैच देखते हैं, असलियत में वो तो रीप्ले है। असली हार और जीत तो दिनों पहले तय हो चुकी है। आपके हर दिन का रूटीन, खाना पीना और सबसे जरूरी बात, आपके विचार, ये सब कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आप हर दिन ट्रेनिंग में जीतते हो तो बाकी सब कुछ अपने आप होता है। इसी बात को खबीब कुछ इस तरह कहते हैं कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को रिंग में हराने से पहले उसे ट्रेनिंग में हराता हूँ। वे आगे कहते हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग में वही इंटेंसिटी लाता हूँ जो लोग केवल मैच के दौरान महसूस करते हैं। दोस्तों, एग्जाम हॉल में कंसंट्रेट करने में आपको दिक्कत नहीं आती, भले ही दिमाग थक जाता है लेकिन आपकी नज़र पेपर से नहीं हटती। वही इंटेंसिटी आपको आज लानी है। पहले थकावट होगी, फिर धीरे धीरे आपको इस इंटेंसिटी की आदत हो जाएगी। इंटेंसिटी कहें या कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, यही चैंपियंस की सफलता का सच है। अभी और यहीं पूरा एफर्ट लगाने से हम उस मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जहां हम हार जीत और चिंता से परे हो जाते हैं और जहां हम केवल खुद को बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए चैंपियंस इस मेंटल स्टेट में जाकर खुद को लगातार चैलेंज करते रहते हैं, जैसे खबीब खून जमा देने वाली ठंडी नदी में तैरते हैं, खड़े पहाड़ों पर दौड़ते हैं। इसके साथ वो 10 लोगों के साथ ट्रेनिंग करते। ये 10 लोग MMA के बेहतरीन फाइटर्स होते। ये सब दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते, फिर सब साथ मिलकर खाते और रहते। खबीब का 29-0 का करियर बेमिसाल है, केवल इसलिए नहीं कि वो एक भी मैच नहीं हारे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हर मैच में अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह डोमिनेट किया। मिक्स मार्शल आर्ट्स में छोटी सी गलती आपको हरा सकती है, एक सटीक किक आपको बेहोश कर सकती है, एक गलत मूव आपको सबमिशन तक ले जाता है। उन्हीं MMA फाइट्स में ऐसा लगता कि खबीब का कोई मुकाबला नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पूरे करियर में 59 बार खबीब ने फाइटर्स को मैट पर चित किया, यानी टेक डाउन किया, और वे खुद मैट पर केवल 2 बार टेक डाउन हुए। खबीब के आखिरी 3 मैच उनके करियर के सबसे कठिन मैच माने जाते रहे। खासकर पिता के जाने के बाद अटकलें थीं कि आखिरी मैच में खबीब की पहली हार होगी, लेकिन खबीब ने पहले की तरह तीनों चैंपियंस को बड़ी आसानी से डोमिनेट किया। उनके डोमिनेशन में 3 कारण हैं। पहला, एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड। दूसरा, अपर बॉडी की बेमिसाल ताकत। और तीसरा, रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स की बेमिसाल समझ। खेल की समझ का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ खबीब बेहतरीन कोच भी हैं। ये सारी कुशलता खबीब ने सालों की मेहनत से विकसित की। वे कहते हैं कि जब से चलना शुरू किया, मैंने तब से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी थी। बचपन से ही ऐसा महसूस होने लगा था कि सबसे अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी होगी। 12 साल की उम्र में मैं रोज सुबह जागता, ट्रेनिंग करता, फिर स्कूल जाता, घर आकर कुछ और एक्स्ट्रा क्लास पढ़ता, उसके बाद शाम की ट्रेनिंग करता, फिर से घर आकर पढ़ता। कभी कभी इन सब के बाद मैं रात 11 बजे पहाड़ों में अकेला दौड़ने निकल जाता। खबीब कहते हैं, आई वॉज ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर मोर। मैं हर दिन और करना चाहता था। मुझे लगता कि दुनिया के किसी कोने में कोई दूसरा फाइटर मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, इसलिए मैं और ज़्यादा करना चाहता था। दोस्तों, ये वही मेंटल स्टेट है जहाँ चैंपियंस रहते हैं और लगातार इम्प्रूव करते हैं। एक मैच के बाद खबीब कहते हैं कि हर फाइट के बाद मुझ में इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि मैं हर बार ऐसे तैयारी करता हूँ जैसे मैं पहली बार लड़ने जा रहा हूँ। खबीब का मतलब है कि ये इंटेंसिटी हर किसी से सेक्रीफाइस मांगती है और दिल भर के इनाम भी देती है। वे कहते हैं, महानता, सम्मान और सफलता, इन सब की एक ही कीमत होती है, विशाल बलिदान। इसलिए दोस्तों, आराम की तलब छोड़ दो। खबीब का जन्म दागिस्तान के एक पहाड़ी इलाके में हुआ। दागिस्तान के इतिहास ने कई युद्ध देखे हैं जिस कारण वहाँ के लोग खुद को टफ मानते हैं। मार्शल आर्ट्स कुश्ती और कसरत को प्रमुखता देते हैं। इस परिवेश में बड़े हुए खबीब खुद को भी योद्धा मानते। उनकी इस सोच का इम्तिहान बहुत छोटी उम्र में हो गया। खबीब के 9वें जन्म के 3 दिन पहले उनके पिता ने कहा, आज तुम्हारा इम्तिहान है। फिर वे खबीब को जंगल ले गए जहाँ एक भालू का बच्चा पेड़ से बंधा था। पिता ने कैमरा ऑन करते हुए खबीब से बोला, भालू से कुश्ती करो, और खबीब बिना सवाल किए भालू से भिड़ गए। बाद में खबीब से पूछा गया,
कि जब आपको अचानक भालू से भिड़ने बोला गया तो आपको डर नहीं लगा। खबीब कहते हैं कि मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग तो 3 साल बाद 12 साल की उम्र में शुरू हुई। उस दिन 9 साल की उम्र में मेरी दिलेरी का टेस्ट था। मैं 5 साल की उम्र से ही पिताजी को दूसरे लड़कों को कुश्ती सिखाते हुए देख रहा था। मैं जानता था कि बिना साहस और बहादुरी के आप कुश्ती तो क्या, आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते, इसलिए डरने का तो सवाल ही नहीं था। दोस्तों, इसी तरह हमें अपने हर कठिन काम को पूरा करने के लिए साहस की ज़रूरत है। अभी अपना साहस नापने के लिए आपको भालू ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले आराम की तलब छोड़ दो, क्योंकि जब भी आप कुछ सार्थक और अच्छा काम करेंगे तो वे आसान नहीं होंगे। अभी देखो कौन से काम हैं जो आपके भविष्य के लिए ज़रूरी हैं और आपको बेहद कठिन लगते हैं। उन काम को ट्रेनिंग मानकर शरीर को थकाने और दिमाग को पैना करने के लिए तैयार हो जाओ। जब शरीर सच में ब्रेक मांगे तब आराम करो, फिर आपको पता चलेगा कि एंटरटेनमेंट और रेस्ट में क्या अंतर होता है। आप एंटरटेनमेंट के बारे में तभी सोच सकते हो, घंटों वेब सीरीज तभी देख सकते हो जब तक आप पूरी तरह थके नहीं होते। हर दिन इतनी इंटेंसिटी से काम करो कि बिस्तर पर लेटते ही आपको नींद आ जाए। दोस्तों, हम में से हर कोई पूरी इंटेंसिटी के साथ काम करने के काबिल है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए हम सब आखिरी दिन का इंतज़ार करते हैं। आपको हर दिन यही इंटेंसिटी महसूस करना है। खबीब के वर्क एथिक में और भी बहुत खूबियाँ हैं जो इस इंटेंसिटी से पैदा होती हैं। आपके पास जितना भी जज्बा और जिद है उसे अभी ट्रेनिंग में लेकर आओ, जैसे ये आपकी आखिरी ट्रेनिंग है, जैसे इसके बाद आपके पास सीखने का दूसरा मौका नहीं है। और खुद देखो कि ट्रेनिंग में पूरी जान लगाना कितना आसान हो जाता है। और ऐसा तब तक करते रहो जब तक आपके शरीर और दिमाग को इसकी आदत ना हो जाए। दोस्तों, जब हम कोशिश करना बंद नहीं करते तो कैसे पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है, ये स्वयं आपका टीचर बन जाता है। आपका मन आपसे क्या चाहता है, अल्केमिस्ट के डीप लेसन्स पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।